नमस्कार दोस्तों, हमारे भाव सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव में स्थित मंगल के फलों के बारे में। पिछली दो पोस्टों में आपको तीसरे भाव में स्थित सूर्य चंद्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी है और आज हम बात करेंगे तीसरे भाव में स्थित मंगल के बारे में। यहाँ आप सब जानते हैं कि ये साहस पुरुषार्थ का भाव होता है, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा ये भाव दे रहा होता है और पहला काम भाव इसको माना गया है। तो यदि मंगल जब इस भाव में होगा तो ऐसे जातक के घर में या तो वो सबसे बड़ा होगा या वो सबसे छोटा होगा। अधिकतर मामलों में देखने में ये आया कि ऐसे जातक के छोटे भाई नहीं होते हैं। और यहाँ एक बात और बता दूं, अष्टक वर्ग में यदि हम तीसरे भाव में पांच या अधिक बिंदु देखते हैं तो ऐसे जातक के छोटे भाई नहीं होते हैं, ये एक कन्फर्मेशन किया जा सकता है। तीसरे भाव में मंगल जो है जातक को साहस, आगे बढ़ने की हिम्मत और विपरीत परिस्थितियों में भी उबर कर बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। जैसा कि मैंने बताया, मंगल इस भाव का कारक भी माना गया है। यद्यपि ऐसा मंगल जो है छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कोई शास्त्रों में देखने का उदाहरण तो नहीं मिलता है। यह बाजुओं में ताकत, परिश्रम द्वारा धन संपत्ति करने संग्रहित करने की क्षमता, धार्मिक रिवाजों को निभाने का योग प्लस आध्यात्मिकता का प्रभाव भी देता है। ऐसे जातक सुंदर और स्वस्थ देह का मालिक, लंबा पतला शरीर वाला, विवेकशील, शौर्यवान और उद्योग तथा शासक से अनुग्रहित होता है। यदि उच्च का मंगल यहाँ पर हो तो जातक विशेष रूप से भाग्यशाली और श्रृंगार रस का प्रेमी बनता है। यदि उच्च का या स्वग्रही है तो संयमी, सूरवीर और युद्ध में साहस का परिचय देने वाला। मित्र राशि में हो तो थोड़ा सा संयमी होता है। अगर वृश्चिक राशि का मंगल यहाँ पर हो तो थोड़ा सा धन कम अवश्य देता है, लेकिन काल पुरुष की अष्टम राशि का स्वामी होकर अपने से अष्टम भाव में जाने के कारण दरिद्रता में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है। आयु के लिए भी ये इंडिकेट करता है। यदि मंगल बुध के साथ पीड़ित हो तो जातक की अल्प आयु भी हो सकती है। यदि यहाँ पर मंगल नीच का होगा तो प्रचुर मात्रा में समृद्धि होने के बावजूद भी जातक विशेष हर चीज के लिए तरसता ही रहता है। ऐसा जातक मित्रविहीन, परिवारविहीन और असंतोषी होता है। यदि मंगल थोड़ा सा पीड़ित हो तो जातक में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी होती है। ऐसे जातक हड्डी टूटने और रक्त संबंधी विकारों से पीड़ित रहते हैं। यदि राहु से संबंध हो तो पत्नी से अलग रहेगा, दूसरी स्त्रियों की चाह रखने वाला होगा और ठग प्रवृत्ति का, जालसाज प्रवृत्ति का होगा। जातक के भाई को मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। यात्राओं से इसको भय रहता है, पड़ोसियों से हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे तीसरे भाव में स्थित मंगल के फल। इसके आगे की पोस्टों में हम आपको बुध और बृहस्पति के फल बताने का प्रयास करेंगे। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।